नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर वन शो दंगल। 2024 चुनावी दंगल की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, एनडीए और यूपीए अपने अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गए हैं। एनडीए की सबसे बड़ी बैठक दिल्ली में 18 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें उन पार्टियों को भी न्योता भेजा गया है जो एनडीए का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्हें पीएम मोदी का नेतृत्व स्वीकार्य है। जो बीजेपी से बिछड़ गए थे उन्हें भी अपने खेमे में किया जा रहा है, जो एनडीए से दूर चले गए उन्हें भी साथ आने को कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर 18 जुलाई को जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी तो शक्ति प्रदर्शन दिखेगा कि 2024 में कैसे एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी पर आरोप ये लगता रहा है कि वो सबको साथ लेकर नहीं चलती। 18 जुलाई को बैठक से बीजेपी इन आरोपों को मिटाना चाहती है। बीजेपी बताना चाहती है कि वो एक पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, वही एक पार्टी है जो समाज के निचले पायदान पर खड़े शख्स का भी ख्याल रखती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर 2024 को लेकर बीजेपी सिर्फ ये कसरत कर रही है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। 2024 चुनाव के पहले उसकी सियासी ताकत बढ़ती जा रही है। आज ओम प्रकाश राजभर को एनडीए खेमे में शामिल करके बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में एक तीर से कई निशाने साधे, जिसका जवाब एनडीए में शामिल होने पर ओपी राजभर ने खुद दिया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। एक बड़ी ताकत, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने ट्वीट करके बताया भी कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के साथ ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हुई है और एक बड़ा बल मिलेगा, इस बात की पुष्टि उन्होंने भी किया है और उसका प्रमाण पिछले चुनाव में हम दे भी चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने ओपी राजभर का एनडीए परिवार में स्वागत किया। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। ओपी राजभर के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी, ये एहसास बीजेपी को पूरी तरह से है। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में से प्रभावित होकर उन्होंने आज एनडीए का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है। मैं उनकी पार्टी का और ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को माननीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएं। कहते हैं जिसने यूपी को जीत लिया उसके लिए दिल्ली की राह आसान हो जाती है, लेकिन कांग्रेस की माने तो ओपी राजभर कभी भी पलटी मार सकते हैं। राजभर जी जहां से आए थे वहीं चले गए, एनडीए में थे, आए अखिलेश यादव जी के साथ फिर वापस चले गए, तो ये कोई नई खबर नहीं है। राजभर जी के साथ ये ठिकाना नहीं कि आज की सुबह कहां थी, कल की शाम कहां होगी। कांग्रेस सियासी अंकों को अपने हिसाब से जोड़ रही है जबकि बीजेपी अपने हिसाब से गोटी बिछा रही है। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक है, इसमें पीएम मोदी खुद हिस्सा लेंगे। अगर संख्या बल की बात करें तो एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ेगा। जहां बेंगलुरु में विपक्ष की 24 पार्टियां इकट्ठी होंगी, वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक में करीब 30 पार्टियां शामिल हो रही हैं। जो सरकार, जो मोदी जी, जो प्रधानमंत्री रीजनल पार्टी क्षेत्रीय दलों के खिलाफ बोलते हैं, कभी उनको डायनेस्टी पॉलिटिक्स के लिए उन पर हमला बोलते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी खिलाफत करते हैं, उनका एनडीए कैसे चल पाएगा? ये बात सच है कि दिल्ली में 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में 30 में से कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनकी ताकत संसद में नहीं है। इसी बात को लेकर जेडीयू खुश नजर आ रही है। 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यू, समता पार्टी, बसपा, टीएमसी सब बाहर हैं। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जाए। जेडीयू भले ही एनडीए के शक्ति परीक्षण को भाव नहीं देती हो, लेकिन जिनका सीधे सीधे बिहार में जेडीयू से मुकाबला है वो 2024 में नीतीश का गेम बदल सकते हैं। उनमें से जितिन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी है जिन्हें एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल
आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। दक्षिण में भी बीजेपी 2024 के लिए बिसात बिछा रही, यही वजह कि आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की जन सेना को भी एनडीए की बैठक के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निमंत्रण पत्र भेजा है। पवन कल्याण गारु विल अटेंड टू द मीटिंग एंड ही इज अराइविंग दिल्ली ऑन 17th इवनिंग अलोंग विद पीएसी चेयरमैन श्री नादेनला मनोहर गारु एंड ही विल पार्टिसिपेट इन एनडीए मीटिंग व्हिच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 18th मॉर्निंग। 18 जुलाई की बैठक से बीजेपी एक साथ कई मैसेज देने में कामयाब हो सकती है। पहला ये कि पीएम मोदी के नेतृत्व को 30 दलों ने स्वीकार किया है। दूसरा ये कि एनडीए का कुनबा यूपीए से बड़ा है। तीसरा ये कि बीजेपी उन्हीं पार्टियों को एनडीए परिवार में शामिल करवा रही है जिनकी पकड़ स्थानीय स्तर पर मजबूत है। हालांकि तमाम अटकलों के बावजूद पीडीपी और अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं बन पाए। इन सब के बावजूद एक तरफ जहां बेंगलुरु में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष शक्ति परीक्षण करेगा, तो वहीं दिल्ली से बीजेपी एनडीए के जरिए सियासी ताकत दिखाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। अरुण राजभर महासचिव SBSP के जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मलुक नागर सांसद BSP हैं। संजय निषाद अध्यक्ष निषाद पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सबका रुख करें उससे पहले इस बीच हमारे साथ SBSP अध्यक्ष OP राजभर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही जानना चाहूंगी, किस तरीके से ये पूरी गठबंधन की जो बातचीत है वो शुरू हुई है, ये गठबंधन जो है ये जरूरी है या मजबूरी? देखिए, गठबंधन जो होते हैं सीटों को लेके होते हैं पहली बात, और अब जैसे हम सरकार में शामिल होने की बातें होती हैं तो पहले तो हमारा प्रयास ये हुआ कि जैसे माननीय अमित शाह जी का फोन आया, बुलाया, मैं चला गया तो वहाँ बैठे बातचीत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि भाई और NDA में आप भी शामिल हो जाइए, कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना 18 जुलाई का इंतजार करना होगा। क्या होगा 18 जुलाई को, ये सीटों पर आपकी जो सहमत, आपके जो सवाल हैं, आपकी जो चीजें हैं, क्योंकि 3 लोकसभा सीट, योगी कैबिनेट में मंत्री पद, ये सारी बातें कही जा रही थी कि आप चाह रहे हैं, वो लिस्ट में अभी भी है, कुछ और एड ऑन हुआ है? नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं, वो तो प्रयास कर रहे थे, उन्होंने उनका प्रयास था। उन्होंने आपने देखा होगा कि 2 बार यूपी में आकर के उन्होंने हमारी वजह से मुख्यमंत्री जी से 2 बार पंचायत कराई थी कि राजभर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इनकी जो बातें हैं इनकी बातों को जो है माना जाए और इनको साथ लेके चला जाए। एक बड़ा प्रभाव ये रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, एक इलाका है पूर्वांचल का जहां इनका काफ़ी जनाधार है, तो उसको लेके 2 बार वो खुद हमारे वजह से लखनऊ आए थे ऐसे, और बातचीत हुई, वो नहीं चाहते थे कि हम साथ छोड़ के जाएं। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां दिख रही हैं, आप साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं, नजर आप कह रहे हैं 18 जुलाई को ही होगा, उस पर उसको लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने कहा अमित शाह ने आपको फोन किया और उसके बाद सहमति किस बात को लेकर हुई, क्योंकि गाजीपुर सीट को लेकर भी सवाल कई उठ रहे थे। जैसे आपने सवाल किया कि सरकार में शामिल होने की बात, तो फाइनल मुहर तो जैसे आपने बताया ना कि ट्वीट वहां से हुआ, अमित शाह जी ने फोन की, ट्वीट किया, मुहर हो गई कि नहीं अब हम एनडीए में हो गए, तब और चीजें बैठ करके तय करके वहीं से ना मुहर लगनी है। जैसे आपने सवाल किया कि सरकार में शामिल होने की बात, तो फाइनल मुहर तो जैसे आपने बताया ना कि ट्वीट वहां से हुआ, अमित शाह जी ने फोन की, ट्वीट किया, मुहर हो गई कि नहीं अब हम एनडीए में हो गए, तब और चीजें बैठ करके तय करके वहीं से ना मुहर लगनी है। जैसे आपने सवाल किया कि ठीक है सर, पूर्वांचल में आपकी अच्छी पकड़ है, आपको लगता है कि इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे एनडीए के करीब पहुंचे आप? नहीं, उन्होंने नहीं, वो तो प्रयास कर रहे थे, उन्होंने उनका प्रयास था,
उन्होंने, आपने देखा होगा कि दो बार यूपी में आकर के उन्होंने हमारी वजह से मुख्यमंत्री जी से दो बार पंचायत कराई थी कि राजभर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इनकी जो बातें हैं इनकी बातों को जो है माना जाए और इनको साथ लेकर चला जाए। एक बड़ा प्रभाव ये रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। एक इलाका है पूर्वांचल का जहाँ इनका काफ़ी जनाधार है, तो उसको लेके दो बार वो खुद हमारे वजह से लखनऊ आए थे ऐसे और बातचीत हुई। उनका वो नहीं चाहते थे कि हम साथ छोड़ के जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जल्दी से जरा रुक कर लेते हैं। अरुण राजभर, देखिए मैं कुछ चीजें आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि आवाज भी कहीं ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी इसलिए उनसे भी कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई। लेकिन अरुण राजभर, जिस तरीके से आप साथ आए हैं, पिछली बार जिन मुद्दों पर आप अलग हुए थे 2019 में आप साथ छोड़कर चले गए थे, आपको लगता है कि इस बार उन मुद्दों से ही शुरुआत हुई है, उन मुद्दों से ही आप आगे बढ़े हैं? देखिए, जो पुरानी बातें थी हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। देश की प्रगति में और राष्ट्र के निर्माण में जो नई योजनाएं बनी है देश की प्रगति के लिए, उन पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पूरी प्रमुखता से, हमने जो एजेंडे हमारे जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पहले रहे हैं जो अब हैं और आगे वो जो रहेंगे, उसी एजेंडे के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हुए हैं। चाहे आप उठाकर देखें, अभी हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है राज्य सरकार को कि जो भर और राजभर जाति है उनको अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कर दिया जाए, तो वो राज्य सरकार की जो मंशा थी कि नहीं इसको हम करना चाहते हैं, इसको लेकर के माननीय अमित शाह जी के यहाँ जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने इस पे सहमति भी जताई कि नहीं, ये सामाजिक मुद्दे हैं और समाज के हित के मुद्दे हैं, इस पे कार्य होने चाहिए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और बाकी संगठन के लोगों ने इस पे मंथन किया और इस काम को करने के लिए अपनी हामी भर दिया। तो इसमें समाज के हित में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निर्णय ले लिया कि नहीं, हमको अब माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मजबूत करके जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित आदिवासी कमजोर हैं उनको और सशक्त बनाने की हमको एक मुहिम के साथ खड़े होकर हम इस कार्यक्रम को और आगे गति देना चाहते हैं। जब चर्चाएं चलती हैं तो पुरानी बातें भी कहीं ना कहीं उठती हैं। दो बयान मुझे याद आ रहे हैं और ये ओपी राजभर के दो बयान हैं जिसमें वो कहते हैं मोदी योगी का जूता साफ करते हैं भाजपा के पिछली जाति के नेता, भाजपा को जमीन में दफन कर दूंगा 2022 में, ये बयान करके आज आप एक बार फिर से उनके साथ हैं। तो इस तरीके के बयान जिसमें आप ये खुद कह रहे हैं कि पिछली जातियों के बारे में भाजपा नहीं सोचती है, नहीं करती है, आज आपको लगता है कि 19 से 23 में ऐसा क्या बदल गया जो आपको लगा कि नहीं अब ये पार्टी सोचेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछड़ों के लिए काम करने का प्रयास शुरू कर दिया है कि जैसे आपने देखा 27% आरक्षण नीट में उन्होंने दिया, कि जो हमारे डॉक्टर नहीं बन पाते थे, जो एमबीबीएस नहीं कर पाते थे, जो ज्यादा फीस लगते थे, उसमें उन्होंने आरक्षण कोटा निर्धारित किया कि पिछड़ों को इनको दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिया गया। रोहिणी कमीशन का आयोग का गठन भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ। और दूसरी चीज है कि उत्तर प्रदेश में हर वर्गों को जो छोटे छोटे प्रताड़ित होते थे, चाहे थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर, चाहे आवास के लिए, पेंशन के लिए, शौचालय के लिए, तो ये सब चीजें उनको मुहैया कराने का प्रयास सरकार ने किया। तो ये समाज के जो हमारी मंशा थी कि वंचित वर्गों को, शोषित वर्गों को जो जनकल्याणकारी योजनाओं को उनका लाभ पहुंचाया जाए, उस पर उन्होंने कहा। जैसे आपने देखा होगा यूसीसी का मसला आया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने खुल करके कहा कि जब ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में एक समान व्यवस्था देने का अधिकार दिया है, तो इसको अगर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अगर पहल की जा रही है तो इसका स्वागत हमने खुलकर किया। चाहे आदिवासी समाज को राष्ट्रपति बनाने का मसला हो, हमने खुल करके इसके साथ दिया था। तो इसमें ये नहीं है, जहां जरूरत पड़ी मुलाकात चल रही थी आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके अध्यक्ष की तरफ से एक और बात कही गई थी जिसको लेकर बहुत चर्चा चल रही थी, और वो बयान था कि अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी ये पिछड़ी जातियों के बारे में सोचते हैं तो इनको साथ आना चाहिए, अगर ये साथ आ जाते हैं तो हम भी इनके साथ आ जाएंगे। क्या इसकी कोई गुंजाइश बनती है? देखिए, ये सब पिछड़ों के लिए सोचते नहीं है। सच तो ये है कि जितने अति पिछड़ी जातियां हैं इनको ये लीडर बनने नहीं देना चाहते, भागीदारी देना नहीं चाहते। बार बार ये बात करते हैं जाति जनगणना, बता दें चार बार सरकार थी, कितने अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी दिया, कितने सामाजिक उत्थान दिया, कितने थाने, तहसील, ब्लॉक, मुख्यालय, कचहरी, सचिवालय, राष्ट्रपति, कहां इन्होंने स्थापित करने का काम किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ अपने लोगों को ये लूटपाट करके इस तरह का काम करने का काम किया, लेकिन समाज के उपेक्षित वर्गों का भला नहीं किया। हम तो कह रहे हैं 18% आबादी मुसलमानों की है, 9%
परसेंट यादव की है, 18% वाला वोट देता है या 19% वाले को एक भी परसेंट हिस्सेदारी नहीं मिलती, लेकिन चार बार की सरकार सपा की रही है, ये बता दे कितने अति पिछड़ों को इन्होंने भागीदारी देकर के सशक्त किया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे पहल करके पूरी मजबूती से हर वर्ग को हर तबके को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बिना जाति धर्म देखे बिना भेदभाव किए अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, तमाम जितने लोग गलत काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव बदला है, जो विपक्षियों ने एक नैरेटिव तैयार किया था पूर्व में, उसको बदलने का प्रयास किया है। भारत एक राष्ट्र मजबूत देश बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी से लेती हुई अभी देर में उनका रुख करेंगे, लेकिन संजय निषाद जी भी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष निषाद पार्टी के। संजय निषाद जी, क्योंकि ये तरीके कई तरीके के नैरेटिव जैसा कि अरुण राजभर भी कह रहे हैं पार्टी के लिए बना दी जाते हैं, बीजेपी के लिए कहा गया कि अपने साथ के जो लोग हैं उनका साथ निभाते नजर नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए धीरे धीरे हर पार्टी के लोग अलग होते गए। वो अलग बात है, आप साथ हैं, अनुप्रिया पटेल की पार्टी साथ है, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए ये साथ जरूरी था, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाना जरूरी था, क्योंकि रण बहुत बड़ा है आगे 2024 का? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बधाई दूंगा कि पिछड़ों और दलितों और आदिवासी शोषितों की बात हो रही है और उसके मछुआरों की बात हो रही है जिन्होंने देश को आज़ाद कराया हो, राजभर समाज की भी बात हो रही है जिसको देश को आज़ाद कराया हो। मैं तो इतने कहूंगा आपको कि जो कहना अलग होता करना अलग होता है। जो पिछड़ों के नाम पर पार्टी बनी, दलितों के नाम पर पार्टी बनी, लेकिन जब सरकार आती थी तो उसमें वही चंगू मंगू हीरो हो जाते थे, लेकिन पिछड़े और दलितों को जीरो बनाने का। आज पिछड़ों और दलितों के नाम पर जो सरकारें बनी हैं उनके पास ऐसा कोई कहने का एक वाक्य भी नहीं है कि मैंने पिछड़ों के लिए कानून बनवाया हूँ, पिछड़ों के हितों के लिए कोई नीति बनवाया हूँ दलितों के लिए। आज मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उसमें पिछड़ों को आज के दिन में उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया। मैं मोदी जी योगी जी अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई, जो मत्स्य मंत्रालय अलग कराया, 26,000 करोड़ रुपया 6 साल के दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, पूरे देश के 18% मछुआरों की आबादी, बताइए 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया, 6 साल में 26,000 करोड़ रुपया, कौन मछुआरों के हितों के लिए काम कर रहा है? नीतियां बनाई है, जैसे मछुआ कल्याण कोष की स्थापना उत्तर प्रदेश में मैंने की है, उसमें 12 प्रकार की हमने उसमें योजनाएं देकर उन्हें लाभान्वित करने का मतलब नीत बन गया है, और जब कैबिनेट से पास हो गया है उसको अगस्त में लागू हो जाएगा कि हम उनको मकान भी देंगे, उनका मैरिज हॉल भी बनाएंगे, उनका 5 लाख का इलाज अलग से करा देंगे, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए है, दैविक आपदा के लिए है, गरीब के मकान के लिए है, उनके जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, मुख्यमंत्री संपदा योजना प्रधान मुख्यमंत्री। आज कहते हैं कि जो हमारा आरक्षण का मुद्दा था उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को मोहर लगाई, योगी जी ने भेजा 20 दिसंबर 2000 जो है 19-20 को, तो जो है आरजीआई को भेजा, आरजीआई ने उसे जो है एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है, उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्री। आज हमारे पास संवैधानिक रूप से कहने के लिए हो गया ना कि हम अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं। यहाँ तो पिछली सरकार कांग्रेस जो सपा बसपा के सहयोग से चल रही थी उसने हमारी फाइल ही गायब करा दी हो, जो सरकार फाइल गायब कराती है उनके खिलाफ हमें मुकदमा लिखवाना पड़ता हो। आज के दिन में उनकी सरकार में हम लोग अपनी आवाज उठाने जाते थे कि हमारी जो है अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी करो, मझवार का केवट मल्ला मझवार है, ये अनुसूचित जात के हकदार है, हमारा नाम बिना संविधान में संशोधन के। जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार है तो केवट मल्ला को पिछड़ी में डालना ही गैर संवैधानिक है। अगर हम इस संविधान की बात को उठाने जाते थे तो पिछली सरकार डंडे चलाती थी, गोली चलाती थी, मरवाती थी, फर्जी मुकदमे लगाती थी। आज हमारे मुद्दे को मोदी जी सुनते हैं, अमित शाह जी सुनते हैं और नड्डा साहब सुनते हैं, हम योगी जी, तो ये चीजें हैं कि पिछड़ों और दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और हर कोई वर्ग नहीं कह सकता है कि जिसमें भारतीय मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया हो, किसान नौजवान को भी हो, तो ये सारी चीजें जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं कहना है, वो खाली पिछड़ों और दलितों के नाम पर राजनीति करती रही है और इन जातियों के साथ धोखा देती रही है। निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, 20,000 की आपका एनडीए ग्रुप जो है वो दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचता है, उनके लिए काम करता है, तो आज राजभर को अपने साथ लाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि जनता अपना भला अगर देख रही है तो किसी नेता की उसको जरूरत नहीं है, वो देख रही है कि राजभर उतना नहीं कर रहे लेकिन बीजेपी कर रही है, लेकिन जरूरत क्यों चुनावों के समय ऐसी आ जाती है कि ये छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश में है बीजेपी?
नहीं, जब राजभर समाज के हितों की रक्षा हमारी सरकार कर रही है, राजभर के बेटे को उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन हमारी सरकार दे रही है, इनके भी राजभर का भी मुद्दा, निषाद का भी मुद्दा एक ही जैसे है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का है, तो जब दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी हल कर रही है, समाज को, समाज के हिस्से को भारतीय जनता पार्टी सोच रही, चिंतन कर रही है, निर्णायक दौर पर आए, तो नेता भी आ रहा है तो उसका स्वागत है, अगर राजभर भाई आ रहे हैं तो स्वागत है, हम लोग मजबूत हैं, दोनों लोग मिलकर हम इस समाज को हित दिलाएंगे। ये जातियां देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं। लेकिन संजय जी एक चीज और बताइए, क्योंकि जब थाली सजती है उसमें कई तरीके के पकवान होते हैं, अब हिस्सेदारी भी देखिए बटेगी, आपके साथ और लोग जुड़ते जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी थाली में से कुछ पोर्शन निकालना पड़े, ऐसी संभावना हो सकती है, तब भी एडजस्ट कर लेंगे क्या? देखिए हम आए पहले, पहले हमारी बहन अनुप्रिया जी पहले से थी, अपना दल पहले से था, मेरे आने से तो अपना दल और मजबूत हुआ है, हम राजभर भाई आएंगे तो हम और मजबूत होंगे ना, हमको असली में पिछड़ों और दलितों शोषितों की लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे, हम लोग मुद्दे के हल के लिए आए हैं, सीट के लिए नहीं जीत के लिए आए हैं, हमने जीत के लिए आए हैं, सीट के लिए नहीं आए हैं, और यहाँ पर लेकिन सारा खेल जो है वो सीटों का ही होता है। मैं जरा आशुतोष वर्मा जी के पास जल्दी से चल लेती हूँ। आशुतोष जी, कई सवाल देखिए अरुण राजभर ने उठाए, कहा कि जब आपके साथ गए आपने कुछ ऐसा किया नहीं पिछड़े जातियों के लिए, या ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो आपके साथ को बरकरार रख पाते, ये पूरा खेल आपको क्या लग रहा है? पिताजी, अर्पिता जी, आप इतना मुश्किल सवाल आपने राजभर निषाद जी से पूछ किया कि थाली में से हिस्से होंगे तो वो इधर उधर की बात करने लगे, आपने बिल्कुल सटीक जगह पे आपने वार किया। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के जो नए नए प्रसंग करती है चुनाव के समय, ये जो पिछड़ों की बातें करते हैं उनको चुनाव पर कैसे याद आता है? अभी 23 जुलाई 2022 को समाजवादी पार्टी से जब इनका गठबंधन हमारा टूटा, तभी से हमको पता था ये भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन कहां पे डील होगी, कितनी डील होगी और किस किन सीटों पर डील होगी, जब तक फाइनल नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हुआ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि मानी राजभर जी, उनके दोनों बेटों को सीटों का ऑफर नहीं मिला है, या आगे आने वाली दो लोकसभा सीटों में, लोकसभा सीट में क्या इनके अपने परिवार के लोग या दोनों भाई बेटे नहीं लड़ेंगे? देखिए कहीं ना कहीं मनमुटाव वहां से था जब समाजवादी पार्टी के साथ कुछ इन्होंने नापतौल करने की कोशिश करी, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने शायद उस समय स्टैंड नहीं लिया इनके लिए कि नहीं अभी ये उचित समय नहीं है। तो ये बातें झूठ की बातें कि पिछड़ों के लिए आप कर रहे हैं, फलाने के लिए आप कर रहे हैं, भाई पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय की समिति के लिए आप संघर्ष करने आए थे, और आपके ही लल्लन टॉप में इन्होंने बोला कि भगवान भी हमारे सामने आके आ जाए तो बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो आज कौन आके कह गया है भगवान नहीं आए? क्या कोई शैतान आया था क्या? हमें तो नहीं लगता है। क्या पिछड़ों की लड़ाई खत्म हो गई है क्या? क्या आज भी जो है समुचित सामाजिक न्याय की लड़ाई खत्म हो गई है? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बरगलाने में आते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में डेस्परेशन दिख रहा है। लेकिन एक चीज डेस्परेशन इसलिए है, आशुतोष जी एक छोटा सा काउंटर सवाल जी, आपका साथ छोड़ देते हैं वो, और उसके बाद साथ छोड़ने के बाद बैठकें होती हैं और वो बीजेपी के साथ यानी एनडीए का फिर से हिस्सा बन जाते हैं, आपको लग रहा है कि ये बरगला कर इनको ले गए हैं अपने साथ, जब समाजवादी पार्टी के साथ ये पार्टी चली जाती है तो क्या आप लोग नहीं बरगलाते हैं? अर्पिता जी, जब हमारे साथ में आए थे तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने आए थे, हमारे साथ विचारधारा में लड़ने आए थे, तब साफ साफ ओपी राजभर ने कहा कि मैं मंत्री पद रहते हुए मैंने छोड़ा क्योंकि वहां पे पिछड़ों दलितों को जो है पीछे के रास्ते में बैठा ला जाता है, उनको समुचित न्याय नहीं मिलता है। अगर आप खुलेआम और उसको मान रहे हैं तो ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि अब देखिए मोदी सरकार, योगी सरकार जो है वो दलितों और पिछड़ों के लिए काम कर रही है, सबूत वो दिखा रहे हैं, अलग अलग देखिए उदाहरण अरुण राजभर दे रहे हैं, तो आप उस पर भरोसा नहीं, क्यों नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये उदाहरण तो तब भी थे, ये उदाहरण तब भी थे, आज ये कल में क्या बदलाव आ गया है? मेरे कहने का मतलब है एनडीए जिस तरीके से बदलाती है, सन 1999 से लेके 2023 तक एनडीए के गठबंधन से 40 पार्टियां टूट गई हैं, यूपी और बड़ा गठबंधन तैयार होने जा रहा है और उसकी घबराहट और डेस्परेट भारतीय जनता पार्टी में है
कि वो हर आदमी को तोड़ फोड़ करके जोड़ रहे हैं। तीन दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनसीपी 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठी हुई है, और जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं उसी को वित्त मंत्रालय देके अपनी सरकार में तोड़ लेते हैं। ये डेस्परेट है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं आपको चैनल में एक बार फिर से आरोप लगाते हैं तो आरोप आप पर भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति समाजवादी पार्टी और बीएसपी आपस में लड़ते रहे हैं, लेकिन आप दोनों भी साथ आए हैं। आपने भी बीएसपी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते थे, लेकिन आए ना आप लोग भी साथ। हमने जब भी गठबंधन किया हमने उस बातों को बना, और आज की तारीख है समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी वक्तव्य बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कभी नहीं दिया गया है। आप पूरे रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। हम इन जगह को मर्यादा रखते हैं, लेकिन पलटी पलटी मारने में और अपनी विचारधारा को तोड़ने में इतनी आसानी से चले जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि ये बार बार बातें होती रही सबके साथ, सबके विकास की बात आप करते हैं, लेकिन अपने ही दल आपको छोड़कर जाने लगे, और आपको लगा कि विपक्षी मोर्चा मजबूत हो रहा है तो क्यों ना हम भी अपना शक्ति प्रदर्शन करें, क्यों ना हम भी सबको साथ लेकर आएं, छोटे छोटे दलों को आप साध रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन की राजनीति की जनक है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो है समीप सरकार बनी थी तो डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से बनी थी। पहली बार अगर कोई सरकार 5 वर्षों का गठबंधन की कार्यकाल पूरा किया तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। पूर्ण बहुमत होने के बाद अपने गठबंधन के साथियों को पहली बार मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2014 और 19 हमको उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत होने के बाद भी हमने अपने गठबंधन के सहयोगियों को सरकार में स्थान दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं कि हमने एक बयान नहीं दिया बसपा के खिलाफ। साहब, गेस्ट हाउस कांड में आपने सिर्फ सुश्री मायावती की हत्या नहीं कर दी, भी हमारे स्वर्गीय प्रमोद द्विवेदी अगर नहीं पहुंच गए होते तो उनकी हत्या हो जाती। तो आप जो है बयान क्या बात कर दो जी, एक थाना मुझे दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश का समाजवादी बसपा के शासनकाल में, सपा के शासनकाल में, जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो है मुकदमे ना दायर हुए उन पर आपने इतने अत्याचार किए, क्या बात कर रहे हैं आप। और जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों को हमेशा समेटने का, साथ रखने का प्रयास करती रही है। हाँ, कई बार गठबंधन के साथी हमसे कुछ मुद्दों पर नाराज होते हैं, वो छोड़कर जाते हैं। वो छोड़कर जाने के बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के किसी साथी के साथ अभद्रता नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करने वाली पार्टी है। आप दूसरी तरफ देखेंगी, यही मुलायम सिंह यादव जी का परिवार था जिनके खिलाफ जो है बेहिसाबी संपत्ति का मुकदमा चलाया गया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के सदस्यों की टेलीफोन की जो वार्ता थी उसको टेप करा के राजबब्बर जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने रिलीज किया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का भयंकर उत्पीड़न किया गया, सीबीआई से उनको जो है दबाव डलवाया गया बेहिसाबी संपत्ति के मामले का भय दिखाकर, और 2008 में परमाणु समझौते के समय उनका समर्थन लिया गया। और मेरा आरोप नहीं है, तत्कालीन इनके महासचिव अमर सिंह ने ये इंटरव्यू देकर कहा कि हमको सीबीआई डायरेक्टर से दबाव बनवाकर कांग्रेस के इतिहास में नहीं जाते हैं। अब फ्यूचर पर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि 18 जुलाई को मीटिंग होनी है। बस आ रही हूँ आशुतोष जी, और भी मेहमान है जिन पर मैं जा भी नहीं पाई, एक जल्दी से काउंटर लेकर। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, जितने लोग अभी 18 जुलाई को आपने जिनको निमंत्रण दिया या जो साथ आ रहे हैं, कितनों को साथ लाने की कोशिश रहेगी आपकी 2024 से पहले? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो विकासवादी राजनीति को स्वीकार करेगा वो सारे लोगों का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जो है राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, व्यक्ति तृतीय के सिद्धांत को हमेशा से स्वीकार करते हैं। तो राष्ट्र के हित में जो हाथ बटाना चाहे हर किसी का स्वागत है। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से एक एक रिएक्शन मलुक नागर और अखिलेश प्रताप सिंह से भी लेना चाह रही हूँ। सबसे पहले जरा मलुक नागर जी, क्योंकि यहाँ आरोप बीएसपी पर बार बार ये लग रहे हैं कि बीएसपी ने पूरी तरीके से हथियार ही डाल दिए हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आपको अपना दुश्मन ही नहीं मान रहे हैं। वो पार्टी जो आपके साथ टक्कर में लड़ा करती थी आज वो आपको दुश्मन ही नहीं मानती, तो आप इसको क्या समझते हैं? ये आपके लिए शुभ संकेत है? अर्पिता जी, टाइम देना प्लीज मुझे जरा जी। अपने आशुतोष जी जो कह रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये भी शायद ये सोचते हैं, जानते हैं। और प्रेम शुक्ला जी भी ठीक कह रहे हैं, आशुतोष जी ने जो अच्छी सी बात बोली, प्रेम शुक्ला जी एकदम से पूरा विस्तार में बातचीत की, तो वो जो गेस्ट हाउस कांड था वो बहुत पुरानी बात है, और इस 2019 के गठबंधन की बात आशुतोष जी कर रहे थे। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई है,
कि देश की सरकार अगर बननी है तो उत्तर प्रदेश से बननी है, और उत्तर प्रदेश में हम 10 एमपी हैं जो समाजवादी का भी साथ था और आरएलडी का भी साथ था, एमएलए हमारा एक है, लेकिन 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट खड़ा है। विपक्ष की कोई मीटिंग पूरे देश में हो लो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में 13.5% वोट जिधर मिल जाएंगी उधर ही पूरी की पूरी वोट एमपी की सीटें इकट्ठी होती हुई चली जाएंगी। तो ये लोग बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और पूरे देश में कहीं हमारी 9% है, किसी स्टेट में 4%, किसी में 7, किसी में 2, किसी में 1, जिधर भी हमारा मिल जाते हैं हम पूरे देश की राजनीति को बदल देते हैं। इसीलिए प्रेम शुक्ला जी भी अच्छी बात कर रहे हैं, समाजवादी पे टूट पड़े, समाजवादी वाले भी इसीलिए अच्छी बात कर रहे हैं कि 2019 के बाद बात नहीं हुई है कोई भी। और इसीलिए मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कितनी मीटिंगें विपक्ष की हो लो, जब तक विपक्ष का कुछ नहीं होगा, जब तक कुमारी बहन मायावती और हमारे पास नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश जब तक किसी का नहीं हो सकता, और उत्तर प्रदेश जिसका हो जाएगा पूरा देश उसका हो जाएगा। सर आपने ये देखिए उपयोगिता बता दी कि बीएसपी कितनी महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए, इसलिए सब आपसे बनाकर रख रहे हैं, आपने मन बनाया है किधर जा रहे हैं आप? देखिए जहां तक मन बनाने की बात है, कुमारी बहन मायावती जी देख रही हैं और देश के तासीर को भांप रही हैं और उत्तर प्रदेश के तासीर को भांप रही हैं और आराम से बिल्कुल बैठे हैं। और कुमारी बहन मायावती जी पूरा बहुत परिपक्व एकदम राजनीतिज्ञ हैं और जरूरत पड़ने पे वो जो डिसीजन लेंगे हम सब लोग उस डिसीजन को मानेंगे। एक बात बहुत अच्छी हो रही है पिछले दिनों से, और इसका क्रेडिट बीजेपी को भी कुछ जाता है, अच्छा कि पिछड़ों की और दलितों की बात हो रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी पिछड़ों को और दलितों को कहकर के इस तरह नई तवज्जो दी जाती थी, और मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस में लीड मेंबर हूं और मेरे पास वहां आंकड़े आते हैं, तो आज भी बहुत सारी सीटें खाली हैं, लेकिन जब पिछला रिकॉर्ड मैं चेक करता हूं कांग्रेस के कार्यकाल का, तो बिल्कुल खाली पड़े रहते थे पिछड़ों के भी दलितों के भी, अब भरे तो हैं पर अभी भी बहुत गुंजाइश है, और पहले कभी पिछड़ों को दलितों को आपकी बात सुनकर तो मुझे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, मुझे ऐसी संभावना दिख रही है कांग्रेस और बीजेपी अगर आपको चुनना पड़े तो शायद आप बीजेपी के साथ चले जाएंगे क्या? अर्पिता जी ये बहुत जरूरी बात है, अर्पिता जी ये बहुत जरूरी बात है प्लीज, कि देश में प्रधानमंत्री जी खड़े हो कहते हैं मैंने इतने पिछड़े बनाए, इतने दलित मंत्री बनाए, कम से कम बात तो होने लगी दलितों की और पिछड़ों की, और ये राजभर जी और निषाद जी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिम में आते हैं तो जाट गुर्जर यादव पाल सैनी के सुप्रभात। अगर कोई राजनीतिक दल उसको सुन रहा है तो आपको साथ चले जाना चाहिए बीजेपी की। देखिए हम पार्टी और पॉलिटिक्स और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा देशहित और जनहित में सोचते हैं, हम परवाह नहीं करते हमें कोई क्या सोचेगा कोई क्या कहेगा, हम हमेशा जो सही बात होती है सरकार की सपोर्ट करते हैं, और जहां गलती होती है बिल्कुल खुलकर के पार्लियामेंट में टकरते हैं, भिड़ते हैं, जूझते हैं, ठोकते हैं, किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की ठोक करके बात रखते हैं, और दूसरी पार्टियों के लोग वह बैठे भी नहीं होते हैं पार्लियामेंट में। ठीक सर, अगर मैं आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में साथ जाने के लिए, एक तरफ बीजेपी ऑप्शन ए ऑप्शन बी कांग्रेस, किसके साथ जाइएगा? अच्छा सी भी दे देती हूं, चलिए ऑप्शन सी समाजवादी पार्टी। हम जाएंगे अर्पिता जी ध्यान से सुनना, हम जाएंगे देश के साथ, हम जाएंगे जनता के साथ, हम जाएंगे गरीबों के साथ, हम जाएंगे दलितों के साथ, हम जाएंगे पिछड़ों के साथ, और हमने अपनी सरकार के कार्यकाल में सिद्ध भी किया। बहुत आसान है सर, इसमें एबीसी ऑप्शन मैंने आपको दिया, जनता के साथ तो हर राजनीतिक दल ये दावा सीना ठोक के करता ही है, और जनता भी देख रही है समझ रही है कि कौन किसके कितने साथ है, जनता के साथ कौन कौन से राजनीतिक दल है। लेकिन सर मैं ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि गठबंधन पर बात हो रही है, हर कोई अपना दम दिखा रहा है, विपक्ष अपने तरीके से अपने आप को मजबूत कर रहा है, बीजेपी अपने तरीके से मजबूत कर रही है, आप किस कुंडे के साथ जुड़ सकते हैं? ए बी सी ऑप्शन मैंने आपको दिया, बीजेपी कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, अगर भावना आप अगर एक को चुनना हो। देखिए फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, जवाब दे रहा हूं जनता के साथ। कुमारी बहन मायावती जी का ये आधिकारिक क्षेत्र है, और जहां तक व्यक्तिगत या एमपी की बात पे है कि हम देश के लिए और जनता के लिए कुछ भी करेंगे, और जो देश को और जनता को आगे बढ़ाने के लिए होता होगा उसके लिए कुछ भी करेंगे।
ठीक अखिलेश जी, इशारों में वो कह गए दरवाजे बंद हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। दो 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 चैनल खोला हुआ है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का तो दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने बता दिया कि आपने कभी नहीं किया कुछ भी पिछड़े जातियों के लिए। देखिए, मैं शुरुआत करूंगा अपने बीजेपी के भाई ने जो कहा कि बीजेपी गठबंधन धर्म की जनक है। मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूं, पूरी तरह, क्योंकि आजादी के पहले इनके बीजेपी के जो पहले की पार्टी थी, उन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में और सिंध में सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार चलाई मुस्लिम लीग के साथ, जो देश को टू नेशन थ्योरी और अंग्रेजों से वफादारी ये तमाम चीजें थी, तो उनके साथ इन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई थी। वो बात तो सही है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार चलाने की जनक है। दूसरी बात, कल तक आप मीडिया के लोग या बीजेपी के लोग कहते थे कि मोदी जी अजय हैं, उन्हें किसी की जरूरत की आवश्यकता नहीं है, आज तिनके का सहारा ढूंढा जा रहा है। कल तक जो बोलते थे कोई नहीं है टक्कर में, आज पड़ गए हैं बैसाखियों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, डूबना तय है, झोला ढूंढना शुरू कर चुके हैं। ये कोई पार्टियां नहीं ज्वाइन कर रही हैं बीजेपी को, कुछ पालकियां ज्वाइन कर रही हैं, इंडिविजुअल्स, पालकी कर लें, लेकिन क्या इससे इनका जनाधार बढ़ेगा? 10 साल बहुत होते हैं सरकार को परफॉर्म करने के लिए। इस सरकार ने सिर्फ के सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़े दलित जिसकी बात लोग कर रहे हैं, यही तो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा इन्हीं की तो समस्याएं हैं। इनके चाहे रोजी रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सब जगह सरकार डूबोए पड़ी है। प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री का अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, ना बयान आया स्वागत का, क्योंकि इनके दल में जिनके दरवाजे रोज भेजते थे बुलडोजर, उनके परिवार का एक बेटा इनके दल से विधायक है, स्वागत है बीजेपी में उसका, मुख्तार अंसारी जी के। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, ये आज से नहीं, जब से ये बनी है ये लोग बीजेपी के लोग, सन 25 से, तब से ये सिर्फ सत्ता के लिए हैं। जो कहता है, जब ये कहें राष्ट्र, समझिए सत्ता, इनका पर्यायवाची राष्ट्र बोलेंगे लेकिन मकसद है सत्ता। तो वो लोग अब समझ चुके हैं, भाई आप को इस देश को एक नेता चाहिए, विक्रेता नहीं, इस देश को एक स्टेट्समैन चाहिए, सेल्समैन नहीं, इस देश को महंगाई, बेरोजगारी, रोजी रोजगार, कारोबार, नौकरी, गरीबी, इसको एड्रेस करने वाला एक, इसको निष्पादित करने वाला एक सरकार चाहिए, ठीक है, एक प्रधानमंत्री चाहिए फुल टाइम, प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए इस देश को, ठीक। 10 साल तक प्रचार मंत्री सब कुछ, हर जगह झंडा दिखाना सुबह से शाम तक, आउटकम कुछ नहीं। तो कब तक आप झूठे सब्जबाग दिखा के करोगे? वही हाल हो गया है। मैं आपकी ही शब्दों से एक सवाल रखना चाहता हूं, काउंटर है। अब आप एक काउंटर है सर जी, आपके ही शब्दों के साथ आपने कहा तिनके का सहारा अगर कोई ढूंढ रहा हो तो मतलब जमीन खिसक रही है। सहारा तो विपक्षी दल भी ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, वहां भी जमीन खिसक रही है क्या? जी आपने गौर से नहीं सुना मेरी बातों को। मेरी बात आने दीजिए प्लीज। यही बोला जाता था कि अजय हैं, कोई टक्कर में नहीं है, हम लोगों को तो कहीं गिना नहीं जाता था, तो उसके हम लोग तो यूनाइट शुरू से हो रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो जो बोलता था अपने आप को कि मैं अविजित हूं, अजय हूं, अपराजय हूं, और हम लोग तो यूनाइट हो रहे हैं, हम लोग पे तो वो आज क्यों सहारा ढूंढ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि बोलने के लिए तो था लेकिन यथार्थ में उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। और ये अगर लोकतंत्र में आस्था रखते, संविधान में आस्था रखते, व्यवस्था में आस्था रखते, तो आज इनके ट्रेडिशनल एलायंस इनका साथ छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। क्यों गए? क्योंकि इन्हें कोई और पसंद नहीं है, इन्हें सिर्फ
तानाशाही चाहिए इनके पार्टी में भी। देखिए अगर पिताजी मैंने बार बार कहा फिर दोहरा दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ बीजेपी बहुत भयंकर तरह से टूटेगी। साथ इनको समझ गए जो छोटे छोटे दल थे इसलिए वो साथ छोड़कर चले गए। आज राजभर साहब वापस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं फिर? अब देखिए राजभर जी हुए या और जो लोग हैं, जिस तरह से नीत नैतिकता का इतना उच्च आदर्श पे बात करते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि अब तो लोगों को बताने में बीत जाएगा कि मैं किस दल में हूं, तब तक वोट पड़ जाएगा और किसका कितनी हैसियत है क्या है उसकी भी बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वागत है, जहां जाए खुशी रहें प्रसन्न रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जनता हर चीजों को देख रही है। आज जिसके खिलाफ दोनों लोग एक दूसरे के इतने मुखर थे, आज वो लोग एक हो रहे हैं तो वो भी लोग समझ ही रहे होंगे कि क्या कारण है। जो भी हो ठीक, हमें कुछ सर राजनीति में ऐसे उदाहरण कई बार देखे हैं। कांग्रेस पार्टी भी जिनको पानी पी पी कर कोसती थी आज उनके साथ है सर, तो इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। राजनीतिक दल अपना फायदा नफा नुकसान समझकर चीजें करते हैं, ठीक है? नहीं सर मेरा सवाल नहीं था, मैं जरा प्रेम शुक्ला जी को नहीं आपका आरोप ये 10 सेकंड में जवाब दें। देखिए विचारधाराओं की दो छत्रप होते हैं, हम जितने दल हैं एक ही आइडियोलॉजी की है लेकिन कुछ मुद्दों पे मत भिन्न है। एक दूसरी आइडियोलॉजी वो बीजेपी की है, उसके हम अपने ही आइडियोलॉजी में जो मेन हमारी आइडियोलॉजी है सेकुलरिज्म वाली। सर देखिए फिर बात ये हो जाती है ना कि आपने एक एग्जांपल दिया था राष्ट्र हम क्या सपा हुआ सत्ता, अगर बीजेपी राष्ट्र कहती है तो इसका मतलब सत्ता है, आपने अभी इसका जिक्र किया, तो सवाल फिर विपक्ष से भी उठते हैं कि लोकतंत्र खतरे में इक्वल टू भी सत्ता ही दिख रही है। सर चलिए मैं जल्दी से एक प्रेम शुक्ला जी से भी जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्या? ठीक एक सेकंड सर, आपातकाल लगा हुआ था उससे ज्यादा खतरा कब हो सकता है? आपातकाल लगा उससे ज्यादा खतरा कब हो सकता है सर मुझे बता दीजिए। आज कितने आपके नेता जेल में है, कितने टीवी जो है वो टीवी बंद चल रहे हैं बताइए मुझे। आप मत तुलनात्मक ढंग से देखिए सर, फिर बहुत आपातकाल में चले जाएंगे सर, बहुत पीछे चले जाएंगे, छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं नहीं है तो जो आज आपातकाल तो संविधान से हम लोगों ने उसके लिए खेद व्यक्त किया था। आज तो लूट ली जा रही है सरकारें, यानी कुछ भी लूट लीजिए, जनता को लूट लीजिए, कुछ भी अनर्थ कर दीजिए, उसके बाद माफी मांग लीजिए, सब ठीक सब चंगा। वाह सर ठीक, प्रेम शुक्ला जी आज आज लूटते रहे तो करते रहे, ठीक ठीक, मतलब कुछ भी कर लीजिए, लूट खचोट या कुछ भी कर लीजिए यार, उसके बाद आप एक सॉरी बोल लीजिए सर। ये वही वाली बात हो गई, अंग्रेज चलेंगे सॉरी छोड़ गए, ठीक आज प्रेम शुक्ला जी समझ गई सर, समझ गई सर। प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि आप ये केवल बोलते आए कि आप अजय हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि जमीन खिसक रही है इसलिए आप तिनके का सहारा ले रहे हैं। लेकिन श्रीमान अखिलेश सिंह ने जो है जो बातें शुरू की वहीं से मैं शुरू करता हूं। जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के चरणों की सेवा के लिए हुई हो, 28 दिसंबर 1885 का प्रथम प्रस्ताव उनकी स्थापना काल का, जिस कांग्रेस के मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश का बंटवारा किया हो, जिस कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल लाया हो, जिस कांग्रेस ने 10,000 सिखों का हत्याकांड कराया हो, जिस कांग्रेस ने 10,000 मराठियों की हत्या की हो, जिस कांग्रेस ने सतत जो है हिंसा उग्रवाद भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ न किया हो, वो कांग्रेस जब इस तरह की बातें करती तो लोगों को आश्चर्य होता है। अब कृपा करके मुझे बताइए अखिलेश जी कि आपके साथ तो सपा और बसपा दोनों का गठबंधन रहा है, दोनों के साथ आपका गठबंंधन टूट क्यों गया? आपका गठबंधन लालू जी जो है 2004 में आपके गठबंधन के सबसे बड़े जो है शिल्पकार थे, और 2009 में जैसे 4 सीट पर उनको आपने मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया, ये क्या था भाई साहब? गठबंधन के साथ यही इकरार हुआ करता है कि जब आपकी और ये सत्ता का जो है गठबंधन नहीं था तो क्या था फिर साहब? आपका कम्युनिस्ट साहब 2008 तक गठबंधन था, मुझे आज इजाजत दे रहा है आम आदमी पार्टी की जो बात आज भी गठबंधन जो है वो हर मायने में हर दल अपनी तरीके से इसको परिभाषित करता है। कोई से कहता है कि विचारधारा के लिए साथ आ रहे हैं तो सीधे कोई ये मान लेता है कि नफा नुकसान भी है, लेकिन इसके पीछे की परत को देखना होगा जो वाकई ये दर्शाती और दिखाती है कि हर खेल नफा और नुकसान का है।